आंदोलन जो किया है वो आरंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले कि इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं प्रोफेसर आर एस पांडे साहब को अपना नमन करता हूं कि उन्होंने जिस प्रेरणा के साथ शिक्षा जगत में अपनी ख्याति अर्जित की है और अपने शिष्यों को आगे बढ़ाया है, हम उनके कृतज्ञ हैं, हृदय से आभारी हैं। प्रोफेसर पांडे, उन्होंने उनका जन्म तो 1934 में हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु हुई वो 28 अगस्त 2014 में। उनकी मृत्यु के पश्चात हमने, क्योंकि मैंने अपना पीएचडी थीसिस प्रोफेसर राम शकल पांडे के अंडर में ही किया था, हमारे गुरु रहे हैं, हमारे शोध निर्देशक रहे हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि मैं उनके आचारों को, विचारों को, उनके कार्यों को पूरे देश में आगे बढ़ा सके तो बड़ा अच्छा। इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने 2015 से इसकी शुरुआत की कि प्रोफेसर राम शकल पांडे स्मृति व्याख्यान का आयोजन अपने महाविद्यालय में, अपने शिक्षा शास्त्र विभाग में आयोजित करें। पिछले साल तक होता रहा, हम लोग 5 आयोजन कर चुके हैं। इस बार चुकी स्थिति परिस्थिति सहजता और सरलता से इसकी स्वीकृति हमें प्रदान कर दी कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आयोजित करें। जबकि मुझे डर था कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, ऑनलाइन कभी किया नहीं है, कितना सफल हो पाएगा, कनेक्टिविटी रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमने कहा कि प्रोफेसर धनंजय यादव जी को पहले हम ये कार्य सौंपेंगे कि वो अपना जिससे कि हम सभी लोगों को लाभ पहुंच सके। जहां तक प्रोफेसर पांडे की बात है, प्रोफेसर पांडे को सारा हिंदुस्तान जानता है, वो उन्होंने अपना कैरियर भी आईडी स्थान यात्रा से स्टार्ट किया था। हायर एजुकेशन में उन्होंने आईडी स्थान यात्रा से स्टार्ट किया था और उन्होंने 1959 से 1975 तक वहां पर कार्य किया। उसके पश्चात वो 2 वर्ष के लिए मेरठ विश्वविद्यालय रहे, सन 75 से 77 तक वहां रेगुलर रहे और उसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1977 में यहाँ आए और सन 83 तक वो रीडर रहे। सन 85 से सन 95 तक आप प्रोफेसर रहे हैं और सन 87 से 95 तक आप विभागाध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। आपने लगभग 100 किताबें लिख चुकी हैं, 100 शोध पत्र लिखे हैं, 35 पीएचडी स्टूडियोज किए हैं और आपका भाषा पर बड़ा ही कमांड है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, सभी विषयों पर आपका बड़ा ही कमांड रहा है। प्रोफेसर पांडे ने शिक्षा शास्त्र के विभिन्न पर कई पुस्तकें लिखी, चाहे वो शिक्षा दर्शन हो, शिक्षा मनोविज्ञान हो, शिक्षा का इतिहास हो, शिक्षा तकनीकी हो, अनेक आयामों पर चलाई। 11 समय न लेते हुए मैं प्रोफेसर धनंजय जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्होंने अपना अमूल्य समय देने का
सारगर्भित व्याख्यान से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रोफेसर धनंजय यादव जी से कहूंगा कि वो आज के मुख्य वक्ता के रूप में जो आपका टॉपिक है एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स परीक्षा में सुधार कैसे हो, उस पर आप हम लोगों को अपने विचारों से अवगत कराएंगे। प्रोफेसर धनंजय यादव जी। हाँ बोलिए सर। हेलो जी सर। जी सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा तो डॉक्टर विद्यापति जी अब मेरे गुरु भाई हुए, आपको विशेष आभार और धन्यवाद कि आपने प्रोफेसर आनंद पांडे जी की मेमोरी में जो लेक्चर शुरू किया है उसमें हमको अवसर दिया कि मैं भी कुछ अपनी बात ऑडियंस सामने कह सकूं। शायद ये दूसरी बार है जब आपने ये मौका हमको दिया। एक बार और आपके यहाँ कॉलेज हुआ था तो हम गए थे और आज हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो ये मौका देने के लिए जिसमें कि हम अपने गुरु जी को याद कर सके और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और उन्होंने जो कुछ भी हमको दिया है, आज जो कुछ भी हमें वो शायद उन्हीं की देन है। और उनका सरल व्यक्तित्व और प्रगाढ़ मेधा जिसके वजह से कि कठिन से कठिन चीजों को भी वो सरल सरल शब्दों में सरल सरल भाषा में कैसे अभ्यक्त कर दिया करते थे, ये उनके क्लास में रह करके सुनने वाले लोगों को ही अनुभूत हो पाता है। तो वो चीजें हम लोगों ने उनसे सीखी है कि कठिन से कठिन बात को कैसे सरल शब्दों में सरल भाषा में व्यक्त किया है और उसकी भूमिका को कैसे कम किया है जिससे कि बच्चों के लेवल तक आकर के अपनी बात को कहने का जो उनका मदद था वो शायद उनसे हम लोगों ने काफी कुछ सीखने का प्रयास किया है। और प्रसाद पानी जी का व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व और उनकी जो प्रतिभा थी उसको तो आपने काफी कुछ तक बयान किया और आज इस जो आपने अवसर दिया इसके लिए हम आपको विशेष धन्यवाद देते हैं और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि आपने इसे योग्य समझा कि हम भी कुछ बात अपनी कर सकें। बस आपने कहा कि टॉपिक आपको लेना है, अपने पसंद टॉपिक ले लीजिए। तो ये हुआ कि आज के समय में जो विशेष चर्चा है परीक्षा के बारे में, यूजीसी भी, एमएचआरडी भी, सारे विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजेस और एलिमेंट्री से लेकर के आज तक हर आदमी चिंतित है कि क्योंकि 20 सेशन में हमारा बच्चों से संपर्क टूट गया है। जब संपर्क टूट गया तो हम कैसे एग्जामिनेशन, कैसे इवेल्यूशन को संपादित करेंगे? इसमें रोज लगातार नई नई चीजें आ रही है कि इंटरनल एसेसमेंट क्या टाइम नंबर देना चाहिए, कंपल्सरी प्रमोशन कर देना चाहिए, टर्मिनल जो एंड सेशन वाले हैं उनका इंटरनल करा देना चाहिए और ये तमाम चीजें हैं। तो इस संदर्भ में हम थोड़ा बात करना चाहते थे जैसे आपने कहा कि ये वह एग्जामिनेशन रिफॉर्म बात करें। और जब किसी भी व्यक्ति के सामने बात आती है एग्जामिनेशन संबंध में, परीक्षा के संबंध में, तो परीक्षा का नाम सुनते ही एक बड़ी चिंता व्याप्त हो जाती है और हमारा जो व्यवहार होता है एक परीक्षक के रूप में, एक परीक्षार्थी के रूप में, परीक्षा के रूप में चिंतित नहीं होते हैं लेकिन परीक्षार्थी के रूप में ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि हमें क्या पूछ दिया जाएगा, हम आज बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, ये सारी चिंता हमको जो है उद्वेलित करती है और कॉन्शियस हम होते हैं किसके लिए, परिणाम के लिए। और वो परिणाम हमको किस तरह से यूज में आएंगे वो ज्यादा चिंतित कर देते हैं, पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, अपेक्षित जो आउटकम है वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो जो हमारा चिंता भविष्य के प्रति होती है वो ज्यादा चिंता में डाल देती है। और अगर ये देखिए कि परीक्षा का इतिहास जिसके ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो उतना ही पुराना है जितना कि संभवतः शिक्षा का है। और जब से शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ अनौपचारिक रूप में या औपचारिक रूप में परीक्षा उसके साथ जुड़ी रही है। यद्यपि यह है कि परीक्षा जो औपचारिक रूप में है वो नहीं ली जाती थी। अगर हम देखें तो शिक्षा का प्रादुर्भाव वैदिक काल से मानते हैं, वैदिक काल में क्या था कि शिक्षा के साथ साथ परीक्षा भी हो जाया करता था। परीक्षा के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती थी, उसके लिए कोई डिग्री प्रदान नहीं की जाती थी, लेकिन फिर भी गुरु और शिष्य के माध्यम से जिन शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर के हम आगे चलने का प्रयास करते थे वो शैक्षिक उद्देश्य की सीमा तक पूरे हुए। कहां हम पीछे रह गए, कहां हम बच्चों की अपेक्षाओं के
नहीं उतर पाए और हमें अपनी शिक्षा गतिविधियों में क्या परिवर्तन करना चाहिए। बेसिक क्या था कि परीक्षा के माध्यम से हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहता था, न कि परीक्षार्थियों को दंडित करना या उनके लेवलिंग करना। तो पहली बात तो यह था कि परीक्षा का उद्देश्य क्या शिक्षा की गुणवत्ता में उन्नयन लाना था। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने और छात्रों की जो भी उनका पोटेंशियल है उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली हम उनको शिक्षा अनुभव दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो सहज रूप में शिक्षा और परीक्षण तब किस छात्र की परीक्षा हो जाती थी छात्र को पता भी नहीं चलता था और वो अपने व्यवहार में लगातार उन्नत होता चला जाता था। उसके बाद आया आपका बौद्ध पीरियड। बौद्ध पीरियड में अगर आप देखें तो औपचारिक रूप में पहली परीक्षा जो है वो शुरू हुई, जिसमें कि बौद्ध मठ के द्वार पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रूप में औपचारिक परीक्षा ली जाती थी कि कौन व्यक्ति हमारे यहाँ आने योग्य है कौन व्यक्ति आने योग्य नहीं है, हमारे जो मूल्य है शिक्षा के उनके हिसाब से किसे एंट्री मिलनी चाहिए एंट्री मिलनी चाहिए। और ये दायित्व तो सबसे श्रेष्ठ और सबसे अनुभवी आचार्य का हुआ करता था और वो साक्षात्कार के माध्यम से चयन करता था कि किसका मठ में प्रवेश होना चाहिए किसका मठ में प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी सारी चीजें जो होती थी वो औपचारिक रूप में परीक्षा होती थी, कोई डिग्री नहीं प्रदान की जाती थी, लेकिन फिर भी छात्रों की और अध्यापक के बीच होने वाली जो अंतर्क्रिया थी उसके माध्यम से शिक्षण और परीक्षा दोनों एक साथ इंटीग्रेटेड रूप में चलता था। उसके बाद आप देखें कि मुस्लिम पीरियड आया। मुस्लिम पीरियड में जाकर के क्या हुआ कि औपचारिक रूप में डिग्री प्रदान करने का काम हुआ, जिसमें आमिल कामिल और फाजिल नाम की डिग्रियां दी जाती थी और पहली बार सर्टिफिकेशन का काम आया। यानी यहां भी क्या था कि परीक्षा वैसे नहीं होती थी लेकिन परीक्षा जो है वो छात्र को अपनी योग्यता को समाज में जाकर के प्रदर्शित करना पड़ता था और रियल जज जो है वो समाज हुआ करता था, लेकिन उनको अपने क्षेत्र की विशिष्टता के आधार पर डिग्री प्रदान की जाती थी। उसके बाद जब ब्रिटिश पीरियड आया तब जाकर के औपचारिक रूप में परीक्षा का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें एकेडमिक अचीवमेंट को मेजर करने के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड फिर चार तरह के एग्जामिनेशन शुरू हुए, छात्रों के अचीवमेंट को साइंटिफिकली मॉनिटर करने का प्रयास किया गया और परीक्षा का बाकायदा रिकॉर्ड रखने का प्रयास किया गया, जिससे कि हम एक ऑब्जेक्टिव तरीके से छात्रों की जो प्रगति है उसको छात्रों तक पहुंचा सके और उसका डॉक्यूमेंटेशन कर सके। तो इस तरह से आपका अनौपचारिक रूप से औपचारिक परीक्षा की पद्धति शुरू हुई। अब जो बात आती है परीक्षा में तो तीन चार टर्म्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको कि अक्सर हम लोग कंफ्यूजन में यूज कर लिया करते हैं। एक तो है एग्जामिनेशन, दूसरा है मेजरमेंट, तीसरा है इवेल्युएशन और चौथा है असेसमेंट। परीक्षा का मतलब क्या होता है या एग्जामिनेशन कि हिंदी में अगर हम देखें तो बहुत आसान हो जाता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है परि और इक्ष। परि माने होता है चारों तरफ, इक्ष माने होता है देखना, जहां पर कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति को किसी भी घटना को अंदर बाहर ऊपर नीचे इतिहास भूगोल और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं और उसकी जो इंटीग्रेटेड है उसको समझने का प्रयास करते हैं और उसको ऑब्जेक्टिवली हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यह है आपका परीक्षा। दूसरी चीज आती है यहाँ पर कि मेजरमेंट या मापन। मापन में क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान में जो भी गुण है उन गुणों को कैरेक्टर को किसी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर पर सेट नॉर्म के तहत हम कुछ मेजर प्रदान कर देते हैं, कुछ अंक प्रदान कर देते हैं, कुछ अक्षर प्रदान कर देते हैं, कुछ सिंबल प्रदान कर देते हैं और पर्पज यह क्या रहता है कि हम ऑब्जेक्टिवली उस क्वालिटी को डिनोट कर सके बता सके। इवैल्यूएशन की इवैल्यूएशन है मूल्यांकन, जो भी कैरेक्टर आपने मेजर किया है उसकी वैल्यू क्या है। और जब हम वैल्यू की बात आते हैं तो वैल्यू में कई बार क्या होता है कि उस इवैल्यूएशन में ग्रांटिंग सम वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो वैल्यू जो है वो क्या है कि समय के सापेक्ष बदलती रहती है, कभी किसी वस्तु की वैल्यू ज्यादा हो जाती है कुछ समय पश्चात उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये परफेक्टली सब्जेक्टिव मैटर है, कोई
सॉल्यूशन की प्रक्रिया को किसी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर के तहत मेजर करने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, तब उसी इवैल्यूएशन को हम एसेसमेंट कहते हैं। और एसेसमेंट हमेशा क्या होता है, किसी एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया जाता है और उस एजेंसी के जो नॉर्म्स होते हैं, मानक होते हैं, उनके आधार पर हम एसेसमेंट करते हैं। जैसे एक छोटा वहां की परीक्षा प्रणाली को आप देख लीजिए तो आप ये जान लेंगे